हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमी सर्वे 2020-21 दैट इज ऑन पावर। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे फॉर एचपीपीएससी एचपीएस एज वेल एज अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। सो चैप्टर 11 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 दैट इज ऑन पावर। देखिए, इसमें बात की गई कि पावर जो है लाइफ ब्लड रहता है एनी इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है लाइफ ब्लड जो रहता है ये रहता है और पावर जो रहती है। और दिस इज अ क्रूशियल इनपुट फॉर अर्ली ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और देखिए, हिल स्टेट होने के कारण जो है हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत ट्रेडिशनल एज वेल एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी रहते हैं। ट्रेडिशनल जैसे हम जो है घर में लकड़ी का यूज करते हैं, फ्यूल वुड वगैरह का यूज करते हैं, तो दैट इज ट्रेडिशनल। और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज हाइड्रो पावर एंड सोलर एनर्जी। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की अगर बात करें हम, बिजली की सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, जब हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य बना था 15 अप्रैल 1943 को, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो कैपिटल जो थी ईस्टर भाई प्रिंसिपल स्टेट्स की, वहीं पर जो है आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली की सप्लाई देखने को जो है मिलती थी। और टोटल जो कनेक्टेड लोड था उस टाइम के ऊपर ये जो है 500 किलोवाट था। 10 जो ऑर्गेनाइजेशन होती पावर यूटिलिटी इन द स्टेट बिगेन फर्स्ट इन इलेक्ट्रिकल डिवीजन। और सबसे पहले जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवीजन जो फॉर्म किया गया इन अगस्त 1953 को अंडर दी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर। सब्सिक्वेंटली एक डिपार्टमेंट ऑफ एमपीपी एंड पावर जो फॉर्म किया गया इन अप्रैल 1964। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखिए इमेंस पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का, जो पानी से जो बिजली पैदा की जाती है, हाइड्रो मीन्स टू से वाटर एंड पावर मीन्स टू से ऊर्जा। तो जो पानी से जो ऊर्जा जो क्रिएट की जाती है उसको हम हाइड्रो पावर जो बोलते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखिए बहुत ज्यादा इमेंस पोटेंशियल इसलिए है हाइड्रो पावर का, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी, पेरियन रिवर स्ट्रीम देखने को मिलेंगी, 5 मेजर रिवर्स है हमारी, और पेरियन रिवर्स ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए एक अबंडेंट जो है आपका जो है एक इमेंस पोटेंशियल आपको जो देखने को मिलेगा। और देखिए, हाइड्रो पावर जनरेशन की बात करें तो ये जो है इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है फॉर दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो है रिवेन्यू जनरेशन का काम भी करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, एज वेल एज इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी जो है इससे जो है आपकी होती है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे क्रिएट होती है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो जो हिमाचल प्रदेश का जो एस्टिमेटेड जो हाइड्रो पोटेंशियल है, जो आंकड़े लगाए गए हैं अभी कितनी हाइड्रो जो ऊर्जा है पानी से जो ऊर्जा है हिमाचल प्रदेश पैदा कर सकता है, हाइड्रो पोटेंशियल जो है हिमाचल प्रदेश का 27,436 मेगावाट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 27,436 मेगावाट जो है हिमाचल प्रदेश का टोटल जो है एस्टिमेटेड जो है हाइड्रो पोटेंशियल, हाइड्रो पावर एनर्जी पोटेंशियल रहता है, जिसमें से 24,000 मेगावाट जो है असेस्ड किया गया इसको, कि इसको हम जो है हम हार्नेस कर सकते हैं। तो 24,000 मेगावाट तक की बिजली जो है हम जो है पैदा कर सकते हैं, और सो फार जो है 10,000 मेगावाट के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है टोटल पोटेंशियल के जो है बिजली पैदा कर रही है। 14,000 मेगावाट के अभी तक जो है प्रोजेक्ट जो सेंक्शन जो है किए जा रहे हैं, और रेस्ट जो रहता है 7,436 मेगावाट का, इसको जो है हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि इसको हमने फॉरगो कर देना है, इसको छोड़ देना है टू सेफ गार्ड द एनवायरमेंट, पर्यावरण को सेफ गार्ड रखने के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस को जो मेंटेन करने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने देखिए एसलेट किया हुआ है जो गति है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की, उसको बढ़ाया है थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट जो कर रही है हाइड्रो पावर सेक्टर में, ताकि इस सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जा सके, उसका जो यूज किया जा सके। देखिए, नेक्स्ट टेबल दिया गया कंजप्शन जो रहती है पावर विद इन द स्टेट बाय यूज इन मिलियन यूनिट्स। तो देखिए, अगर डोमेस्टिक अगर घरेलू की बात करें तो 2,193.69 मिलियन यूनिट्स थी 1920 में, ये जो 1,050.23 मिलियन यूनिट्स रही अब अक्टूबर 2020। तो ये जस्ट एक आंकड़े हैं, कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है हमारी स्टेट में 9,123.99 मिलियन यूनिट्स थी आपके 1920 में, और 2020-21 में अक्टूबर 2020 तक जो है ये 5,197.69 मिलियन यूनिट्स ये जो रही। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी सी बात की है डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी फिजिकल एंड फाइनेंशियल अचीवमेंट्स मेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2020-21। तो कौन कौन से इन्होंने फिजिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स अचीव की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा। तो देखिए, अलॉटमेंट की गई 5 मेगावाट कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जिसमें तांडी का 104 मेगावाट का, राशि लैम 130 मेगावाट, साच खास है 267 मेगावाट कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है अलॉटेड किए गए टू दी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और रिवेन्यू देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो राज्यसभा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा जो इकट्ठा किया गया, जो कमाई जो की गई सेल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर जो रहता है पावर सेक्टर का, ऊर्जा सेक्टर का, अप टू 31 दिसंबर 2020, ये 610 करोड़। तो देखिए कितने ज्यादा पैसा हमारी गवर्नमेंट जो है ऊर्जा बेच के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो बेच के जो है कमाती है, 610 करोड़ जो है अप टू दिसंबर 2020 जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है कमाया गया, जबकि टारगेट रखा गया था 900 करोड़ का, और ये माना जा रहा है कि जनवरी 2021 टू मार्च 2021 जो है 66 करोड़ एडिशनल जो है गवर्नमेंट जो है इससे जो कमाएगी अभी।
देखिए आगे अगर हम बात करें एज पर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 की, तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा डेजिग्नेटेड किया गया है एज एक एजेंसी को, एज स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी टू कोऑर्डिनेट रेगुलेट एंड एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो एनर्जी सेविंग में सेलिडी जो एक्ट आपका रहता है। फिर उसके बाद देखिए अगर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कंस्टिट्यूट हुआ था 1 सितंबर 1971 को, वेरी इंपॉर्टेंट, इस डेट को याद रखना, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1 सितंबर 1971 को, और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है एस्टेब्लिश हुआ था इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, और इसको जो है रीऑर्गेनाइज्ड किया गया एज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। अब देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड इसको बनाया गया 14 जून 2010 को अंडर द कंपनी एक्ट 1956, और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसका दायित्व रहता है फॉर द सप्लाई ऑफ अनइंटरप्टेड यानी कि बिना रुके जो है गुड क्वालिटी ऑफ पावर टू ऑल द कंज्यूमर इन हिमाचल प्रदेश। और आप हम सबको देखिए पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनी हुई है, मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, दिनचर्या की जो भी चीज़ें हैं हमारी, लाइट होगी, इवन घर में ये सारी इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, तो पावर जो सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है। एज अ सिविल सर्वेंट आपको पावर सेक्टर से रिलेटेड जो नॉलेज होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है आपको पता नहीं चाहिए 24,736 मेगावाट का जो है टोटल पोटेंशियल है, जिसमें से 24,000 जो गवर्नमेंट ने जो हार्नेस शेड्यूल रखा हुआ है, इसमें से सो फार हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो 10,000 मेगावाट के आसपास जो है पावर जो है इसे जो है जनरेट कर रही है, और हाइड्रो जो पावर जो रहती है ये गुड सोर्स ऑफ रिवेन्यू एज वेल एज इंपोर्टेंट जनरेशन का काम करती है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का काम क्या है, ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो इनके द्वारा लीड की जाती है स्टेट में। अब देखिए पावर सेक्टर की देखिए समस्याएं क्या क्या होती हैं, अगर देखिए ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ी समस्या आप पॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे पॉल्यूशन कैसे होगा, हाइड्रो पावर में तो पॉल्यूशन नहीं होता। देखिए हिमाचल में, मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो मोर देन 55% के आसपास आज भी जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन कर रहे हो थर्मल एनर्जी से करें, कोयले से करें, तो पॉल्यूशन भी होता है। दूसरा फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी इंडिया में जो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। तीसरा हमारे जो बहुत सारे जो प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है वो जो काफी ज्यादा आउटडेटेड है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी का आपको पता है खतरा तो रहता ही रहता है न्यूक्लियर प्लांट्स को कंट्रोल करने का, उनमें से अगर कहीं से भी उनमें लीकेज हो गई न्यूक्लियर मटेरियल्स की तो वो भी हानिकारक रहती है एनवायरमेंट के लिए। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन किसी प्रकार का है तो उसमें आप लिख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रो पावर जो जनरेशन रहती है हिमाचल प्रदेश में उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आज में हमारे पास प्रॉब्लम चली हुई है। तीसरा एनवायरमेंटल लॉस तो होता ही होता है, डैम्स वगैरह बनते हैं तो लोगों की रिहैबिलिटेशन भी होती है, तो इस तरह से आपने जो है लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर अगेन डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरेशन ऑफ पावर जो है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा जो है इसमें बात की गई है, तो देखिए बिलासपुर का डाटा इसमें नहीं बताया गया है। इसमें अगर आप कुल्लू की बात करें तो ये देखिए आपकी अप टू मार्च 2021 के एंटिसिपेटेड है, तो कुल्लू में 671 मेगावाट ऑफ सॉरी इसमें मिली यूनिट्स दिया होगा, तो कुल्लू में 671 मिली यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हुई इन 1920 और 2021 में 628 टोटल। अगर मिली यूनिट्स की बात करें तो 2020-21 में एस्टिमेटेड है कि 2030.53 मिली यूनिट्स जो है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड डिपार्टमेंटल स्कीम्स, तो कौन कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और डिपार्टमेंटल स्कीम, तो सबसे पहले स्कीम रहती है हमारे पास पावर सेक्टर सचिव दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो ये 2014 में जो लॉन्च की गई थी विद एम टू फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल हाउसहोल्ड, तो जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी घर हैं उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन करना, उनको बिजली की सप्लाई प्रोवाइड करना, तो वर्क जो है इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हो चुका है, और इसमें बताया जा रहा है कि रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट जो रहती है हिमाचल प्रदेश की उसमें 20 मार्च 2021 तक जो है वर्क कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्कीम रहती है IPDS इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, तो देखिए इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम में इसका मेन एम रहता है ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एफिशिएंट मीटरिंग की जांच के इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि बिजली की चोरी भी जो है आपने देखी होगी गांव के क्षेत्रों में की जाती है, उससे काफी लॉस जो है डिपार्टमेंट को होता है, तो एफिशिएंट मीटरिंग भी एक जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो होनी चाहिए। तो जनवरी 2021 की अगर हम बात करें तो वर्क जो है ऑलरेडी डेवलप IPDS इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है सर्कल्स में जो है किया जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करें हिमाचल हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये वर्ल्ड बैंक एडेड जो है प्रोग्राम रहता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, और ये जो है इसमें 24/7 क्वालिटी और रिलायबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए 30,000 HP और ये वर्ल्ड बैंक फंडेड ये जो प्रोजेक्ट है, और डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स की 140 मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को जो है अप्रूवल दे दी गई थी। SI स्कीम फॉर लो वोल्टेज पॉकेट्स इन HP, तो SI स्कीम जो रहती है फॉर लो वोल्टेज पैकेट्स इन HP
ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 1920 और ये स्कीम रहती है टू कैटर टू इंस्टॉलेशन ऑफ 96 डीटीआरएस कंस्ट्रक्शन ऑफ 1033 एसटी हाई टेंशन लाइंस एंड 325 किलोमीटर लो टेंशन लाइंस इन दी लो वोल्टेज स्टिकन एरियाज। मुख्यमंत्री रोशनी योजना की बात करें तो बजट ऑफ 1920 में सीएम के द्वारा अनाउंस की गई थी। इसमें जो भी ऐसे हाउस होल्ड जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो कितने पूर फैमिलीज हैं स्टेट्स की उनको जो इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाने का इसमें प्रोविजन है। और फाइनेंशियली 1920 की बात करें तो 4,898 फैमिलीज को जो बेनिफिट किया गया इसमें और 2,703 एलिजिबल फैमिलीज को जो है बेनिफिट किया गया अप टू 30 नवंबर 2020। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एआरपी प्रोजेक्ट की बात करें तो पे रोल जो रहता है 13,500 एम्प्लाइज का पेंशन ऑफ 14,400 जीपीए एंड जीपीएफ ऑफ 11,000 एम्प्लाइज जो है प्रोसेस हो रहा है थ्रू एसएपी ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के तहत। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। तो देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर हम बात करें तो 27 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है विद इंस्टॉल कैपेसिटी 489.35 मेगावाट जो रहता है आर अंडर कंस्ट्रक्शन है बाय द हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा। 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो रहता है उल स्टेज 3 जो प्रोजेक्ट रहता है 100 मेगावाट रहता है। देखिए कई बार इनकी कैपेसिटी पूछ ली जाती है तो उल स्टेज 3 जो कि उल नदी के ऊपर है 100 मेगावाट का ये थर्ड स्टेज का प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन बाय द वीपीपीसीएल जो कि हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की एक सब्सिडियरी कंपनी है। और करंट फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो 1791.86 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है जनरेटेड हुई है बाय द हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो जो ट्रांसमिशन जो रहती है ट्रांसमिशन बीम जो रहता है हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का उसने इंस्टॉल किया है 54 EHV। तो देखिए EHV का मतलब होता है इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज और ट्रांसमिशन देखिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है ट्रांसमिट करना उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो देखिए हमें जो है वोल्टेज को जो है जो हाई वोल्टेज होती है उसको लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि ट्रांसमिशन जो है एफिशिएंटली जो इसकी हो सके। और देखिए तो इसमें बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन बीम जो रहती है हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की उसने इंस्टॉल किया 54 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन रहते हैं विद ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ 4,718.19 MVA एंड 3,595.45 CKD किलोमीटर EHV लाइंस टिल फाइनेंशियल 1920। अब देखिए फ्यूचर प्लान्स अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो फ्यूचर प्लान जो हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के हुए जिसमें कंप्यूटराइजेशन कर देना कंप्यूटरीकरण कर देना ऑल दी ऑफिसेज ऑगमेंटेशन करना बढ़ाना कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सब स्टेशन एंड एसटी हाई टेंशन लाइंस एंड लो टेंशन लाइंस टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड रिलायबल पावर टू द कंज्यूमर इन द स्टेट ऑफ एचवी टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हुआ है कि ट्रांसमिशन जब हम ट्रांसमिशन करते हैं यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं उसकी डिफरेंट हाउस होल्ड्स को तो देखिए डिफरेंट हाउस होल्ड में ट्रांसफॉर्मर वगैरह का भी देखिए यूज किया जाता है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए तो इसमें काफी ज्यादा जो है लॉस जो है होता है तो उसको कम करने के लिए जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है क्योंकि इंडिया में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले जो है ज्यादा है तो इसको कम करने की काफी ज्यादा जो है जरूरत है। नेक्स्ट है न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। तो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो साई कोठी स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड एंड देवी कोठी एंड हेल ये 6 MW का प्रोजेक्ट है। तो ऑल जो भी है NOC थी और जो भी फॉरेस्ट राइट सेक्ट के साथ जो अभी FIR वगैरह थी इसमें कर दी गई है और FC स्टेज 1 अप्रूवल जो है अप्रूव कर दी गई है फॉर सेगा कोठी फिर एज केसेस जो रहते हैं रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स आर पेंडिंग। फिर रायसन एंड न्यू नोगली टिकर एंड कुठार की बात करें तो 18 देखिए रायसन जो रहता है ये रहता है 18 मेगावाट का न्यू नोगली जो रहेगा आपका न्यू नोगली टिकर ये 11 रायसन रहेगा 18 मेगावाट का न्यू नोगली रहेगा 11 मेगावाट का टिकर रहेगा 5 मेगावाट का और कुठार रहेगा 5 मेगावाट का। तो DPR वगैरह इन प्रोजेक्ट्स की जो सबमिट कर दी गई है इसमें ये जानकारी दी गई है। नेक्स्ट बात की गई प्रोजेक्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूशन स्टेज थ्रू हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो प्रपोजल रहता है त्रिवेणी महादेव हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट 78 मेगावाट का फिर DPR जो रहती है काशगंज स्टेट फोर जो रहता है 48 मेगावाट का और बड़ा खंबा 45 मेगावाट इन दी डिस्ट्रिक्ट नौरा जो है प्रिपेयर की जा रही है और जिसपा डैम प्रोजेक्ट 300 मेगावाट फ्रेश TOR जो ऑप्टेनिंग की जा रही है परमिशन फॉर इन्वेस्टिंग वर्क्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये रिक्वेस्ट कर दी गई है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट अंदर हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो प्रोजेक्ट इसके अंदर चले हुए इंटीग्रेटेड काशगंज 43 मेगावाट का है उसका हम सेंज की बात करें तो 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है फिर सावरा कुडू प्रोजेक्ट है 111 मेगावाट का फिर शोंगटोंग करछम 450 मेगावाट का है फिर छंजू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है दोथल छंजू 48 एंड 30 मेगावाट के हैं रेनोगंज जो है 40 मेगावाट का है फिर सुरगनी सुनला जो 14 मेगावाट का है थाना प्लोनून 191 मेगावाट का है और नक्थन जो है 460 मेगावाट का है किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 660 मेगावाट का है। नेक्स्ट आता बहुत इंपॉर्टेंट सोलर प्रोजेक्ट्स तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो सेट किया गया 5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट एट
बैराडोल सोलर पावर प्लांट, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये रहता है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, बैराडोल सोलर पावर प्लांट, ये जो है नियर है श्री नैना देवी जी श्रीन, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लोकेटेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बैराडोल सोलर पावर प्लांट जो कि नियर है श्री नैना देवी जी श्रीन के साथ में, ये नियर है इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, 5 मेगावाट कैपेसिटी का रहता है और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको सेट पर किया गया है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, सौर ऊर्जा का ये फर्स्ट जो प्रोजेक्ट ये रहता है गवर्नमेंट सेक्टर में, और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है 16.97 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो जनरेट की गई थी, और रिवेन्यू जो इसके द्वारा जनरेट किया गया 31 दिसंबर 2020 6.45 करोड़ है, और टारगेट जो रहता है पावर जनरेशन का 31 मार्च 2020 जो 19.29 मिलियन यूनिट्स रखा गया है। और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPPCL जो है प्लान कर रहा है सेटअप अनदर सोलर पावर प्लांट ऑफ 10 मेगावाट, और ये सेटअप किया जाएगा एट एग्लोर इन डिस्ट्रिक्ट ऊना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये दोनों आपको बताना चाहिए, एक ऑलरेडी जो सेटअप किया जा चुका है HPPCL के द्वारा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जिसका नाम है बैराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट नियर श्री नैना देवी जी श्रीन इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और दूसरा सेटअप किया जा रहा है ऊना में 10 मेगावाट का एग्लोर इन डिस्ट्रिक्ट ऊना। तो ध्यान रखना 5 मेगावाट का है बैराडोल सोलर पावर प्लांट जो कि नीर है श्री नैना देवी जी श्रीन इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और दूसरा है आपका 10 मेगावाट का एग्लोर ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो सेटअप किया जाएगा, और यहाँ बताया गया कि DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो इसकी जो क्या की जा चुकी है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी फाइनेंशियल अचीवमेंट जो देखिए इसमें बताई गई है, तो फाइनेंशियल अचीवमेंट जो रहती है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो शॉर्ट टर्म कस्टम से देखिए अप टू 2021 278 करोड़ जो सरकार द्वारा कमाए गए, शारा खड्डू के द्वारा 71.46 करोड़, इंटीग्रेटेड घाट चंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 81.88 करोड़, गवर्नमेंट द्वारा इनके द्वारा जो 431.41 करोड़ जो है इसमें जो है पैसा जो इसके द्वारा जो कमाया गया। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPTCL, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो नाम से ही पता लग रहा है इसका मेन काम ट्रांसमिशन करने का रहता है। तो दिस कॉर्पोरेशन इज एन अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद एन एम टू स्ट्रेंथन द ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड टू फैसिलिटेट इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम अपकमिंग जनरेटिंग प्लांट्स। तो हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साथ देखिए एडिशन टू अब जो भी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, इतने ये नहीं है, उसके साथ देखिए इसमें एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात की गई है। तो देखिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है ये KfW बैंक जो रहता है जर्मनी का उसके द्वारा फंडेड है, और इसमें 57 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट है जो कि साइन हुआ था 2015 में, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कंप्राइज करेगा इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग अलॉन्ग विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन इन 8 रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी स्टेट, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी आपका जो है इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बात की है इसमें हिम ऊर्जा की, तो हिम ऊर्जा के द्वारा देखिए इसमें बताया गया कि बहुत सारे एफर्ट्स जो किए जा रहे हैं टू प्रोपरलाइज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स। तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसको बार बार जो आप यूज कर सकते हैं वो खत्म नहीं होती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड हो गई, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई, तो ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी रहती है थ्रू आउट द स्टेट विद फाइनेंस सपोर्ट, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की रहती है। तो देखिए हिम ऊर्जा के द्वारा जो है बहुत से प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट अप टू 5 मेगावाट जो प्रोजेक्ट है वो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए इसमें प्रोग्राम्स ऑफ हिम ऊर्जा की अगर बात करें, सोलर थर्मल एंड सोलर फोटोवोल्टिक प्रोग्राम्स की अगर बात करें, तो प्रोग्राम एंड अचीवमेंट, तो सोलर कुकर तो ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 246 बॉक्स टाइप एंड 40 डिश टाइप सोलर कुकर जो है प्रोवाइड हुए अप टू दिसंबर 2020, और टारगेट 200 बॉक्स के इसमें नेक्स्ट रखा गया। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, तो इन 2020 सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो है 8,300 लीटर पर डे कैपेसिटी है बीन इंस्टॉल्ड, और टारगेट ऑफ 1 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी सोलर पावर हीटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन इज प्रपोज्ड। फिर SPP स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम बात करें, 2021 24,399 नंबर SPP स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल किया गया अब टू दिसंबर 2020। SPP डोमेस्टिक लाइटिंग अगर बात करें, 2021 एंटीसिपेटेड अचीवमेंट जो रहती है, जो आशंका है अचीवमेंट की, वो है SPP डोमेस्टिक लाइट्स अप टू मार्च 2021 विल बी 3000, और 3000 का जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है इसमें जो टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट देखिए सोलर पावर प्लांट्स की बात की गई प्रोजेक्ट्स की, तो नीचे दी गई सोलर पावर प्लांट्स जो है मेन जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो इसमें अगर हम सोलर पावर प्लांट की बात करें, तो ओपीडी सोलर पावर प्लांट्स की बात करें, तो 2021 में सोलर पावर प्लांट्स ऑफ 72.50 किलोवाट कैपेसिटी है बीन कमीशन अप टू दिसंबर 2020, और टारगेट 1000 किलोवाट पावर कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट्स ऑफ 2021 ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट्स, तो सोलर पावर प्लांट्स ऑफ 0.140 मेगावाट कैपेसिटी हैज बीन कमिशन अप टू दिसंबर 2020। फिर उसके बाद ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स 5.10 मेगावाट ऑफ सोलर ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कमिशन अप टू दिसंबर 2020। नेक्स्ट स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अप टू 5 मेगावाट कैपेसिटी बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, तो इसमें बताया गया कि करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू मार्च 2021 तक ये एंटीसिपेटेड आशंका लगाई जा रही है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 14 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है अचीव हुई है,
फॉर फाइनेंशियल 2021 कैपेसिटी जो है 20 मेगावाट जो है इसमें जो टारगेट जो है रखे गए हैं। तो इस तरह के टेबल में बताया गया स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो रहते हैं हिमुर्जा के, तो टोटल अलॉटेड प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं एक्सटेंस ये 740 रहते हैं और 1781.58 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट रहते हैं। देखिए माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें 200 किलोवाट प्रोग्राम्स की, तो इसमें बताया गया कि 55 जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एलोकेटेड हुए अप टू दिसंबर 2020 और वेयर एज अंडर स्टेट सेक्टर 12 प्रोजेक्ट्स ऑफ 32.94 मेगावाट कैपेसिटी जो सैंक्शन हुए हैं। और इसके साथ साथ इसमें बताया गया कि सोलर ऑफ ग्रिड पावर प्लांट्स ऑफ 250 वाट कैपेसिटी ईच हाउसहोल्ड्स को जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 1000 फैमिली जो हाउसहोल्ड्स रहती है रिमोट एंड ट्राइबल एरिया जो पांगी विलेज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट उनको जो है ऑफ ग्रिड पावर प्लांट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव क्या लिए जा रहे हैं लास्ट में ये डिस्कस किया गया, इसमें हाइड्रो पावर पॉलिसी को देखिए मैंड किया गया सरकार द्वारा, फ्री पावर रॉयल्टी नेशनलाइज की गई है, मैंडेटरी पर्पज ऑफ पावर यानी कि जो भी पावर ऊर्जा जो जनरेट की जाएगी ऐसे प्रोजेक्ट द्वारा अप टू 10 मेगावाट उनसे जो परचेज करेगी वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड करेगी, टैरिफ भी जो भी रहता है टैक्स वगैरह जो भी आता है डिटर्मिनेशन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन की गई है, एग्जम्पशन की गई है ओपन सेस चार्जेस फॉर प्रोजेक्ट अप टू 25 मेगावाट, एलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट अप टू 10 मेगावाट फॉर कैप्टिव यूज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, रिडक्शन अपफ्रंट प्रीमियम एंड कैपेसिटी एडिशन चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस ऑफ फॉर गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड अनाउंस, वन टाइम एमनेस्टी टू द प्रोजेक्ट डेवलपर्स बाय रीडिफाइनिंग जीरो डेट फॉर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर अंडर इन्वेस्टिगेशन एट क्लियरेंस स्टेज वेयर आईएएस हैव ऑलरेडी बीन साइंड एंड बाय रीडिफाइनिंग शेड्यूल्ड कमर्शियल ऑपरेशन डेट फॉर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज। सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 11 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर 12 जो है टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट का डिस्कस करेंगे व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।